आज हम बिग पर्ल से लेस बनाएंगे। आप कोई भी शेप की और कलर की पर्ल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सिल्क थ्रेड यूज़ किया है और 0.95 का मैंने स्टील क्रोशे हुक यूज़ किया है। सबसे पहले आपको थ्रेड में अपनी पर्ल्स को डालनी है और उसके बाद आपको थ्रेड अटैच करना है फैब्रिक पे इस तरह से, और चेन टू स्पेसेस बनानी है, 1 2 सिंगल क्रोशे, चेन टू सिंगल क्रोशे बनानी है। एक पर्ल वाला फ्लावर बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 स्पेसेस लग जाती है इस तरह से। अब ये यहाँ पर एंड हो गया है तो चेन 1 बनाना है और टर्न करना है अपने वर्क को। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। ये फर्स्ट चेन टू स्पेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे बनाकर इसे ऐसे अटैच कर देना है। अब हम चेन 7 बनाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइज़ की पर्ल यूज़ कर रहे हैं। बड़ी पर्ल है तो इससे ज़्यादा मोटी है तो चेन 8 बनानी है, और छोटी रहेगी तो कम चेन बनानी है। तो मैं चेन 7 बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 टाइट बनानी है इसे। फिर एक पर्ल स्लिप करनी है और इसे अटैच करने की एक टेक्निक है कि ये पर्ल के अंदर स्टील क्रोशे हुक डालना है। अगर एक पर्ल यूज़ करें तो एक पर्ल, अगर 3 या 2 यूज़ करें तो ये दोनों पर्ल को इसमें डालना है। अब एक चेन टू स्पेस को छोड़ना है, थर्ड स्पेस में जाना है और थ्रेड को इसमें से निकालना है ऐसे, और ये थ्रेड हमें ये पर्ल के बीच में से निकालना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, अब इसे ये 2 लूप आ गए हैं। अभी रैप करेंगे हम थ्रेड को टाइटली और ये दोनों में से निकाल देना है। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बन गया है। अब इसके टॉप पर जो सिंगल क्रोशे बना है, अभी हम इसके ऊपर चेन 5 पिकॉट बनाएंगे। चेन 5 बनाना है, 1 2 3 4 5 चेन 5 बना के ये जो पर्ल के ऊपर जो सिंगल क्रोशे बनाया है ये इसके अंदर जाना है हमें, और फिर एक सिंगल क्रोशे बना देना है। तो ये चेन 5 अटैच हो गई है। ऐसे हमें इसके ऊपर 3 बार बनाना है, 3 times, 1 2 3 4 5। ये सेकेंड टाइम है, ये गैप दिख रहा है, ये होल जो है सिंगल क्रोशे तो इसमें गए, रैप करके निकाले, 2 लूप आ गए और सिंगल क्रोशे बन गया, इस तरह से अटैच हो गया। ये सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 1 2 3 4 5 चेन 5, फिर इसमें से गए, ये होल विजिबल है इतना, ये होल में ही जाना है, सेम होल में रैप करके निकालना है ऐसे, 2 लूप है दोनों में से निकाल दिए तो सिंगल क्रोशे। तो ये इस तरह से ऊपर फ्लावर जैसा बन जाता है। फिर इसे हम फिर से चेन 7 बनाने ही जैसे स्टार्टिंग में बनाए थे टाइटली, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बन गई। और ये एक स्किप करना है एक स्पेस को, और एक स्पेस में नेक्स्ट स्पेस में जाके हमें सिंगल क्रोशे बना के इसे अटैच कर देना। तो ये देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्ल हमने अटैच कर दिया है। तो ऐसे ही हम सारी पर्ल को अटैच करेंगे, चेन 7, 1 2 3 4 5 6 7 एक पर्ल को स्लिप करेंगे, ये हुक को इसमें से पास किया, एक स्पेस को छोड़े, नेक्स्ट स्पेस में गए, इसमें से रैप करके थ्रेड लाए और ये पर्ल में से निकालेंगे इस तरह से। ये टॉप पे 2 आ गए लूप,
दोनों में से रैप करके निकालेंगे, मतलब सिंगल क्रोशे बना दिया इस तरह से। फिर से उसका क्राउन बनाएंगे, सेम 1, 2, 3, 4, 5। और ये गैप में सिंगल क्रोशे है इसके टॉप पे, उसके होल में जाके सिंगल क्रोशे बना दिया, 1, 2, 3, 4, 5। होल में गए इसके ऊपर से सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से ये गैप जो होल है इसके, होल में गए और फिर निकाले और सिंगल क्रोशे। तो ये इस तरह से सेकंड फ्लावर बन गया पर्ल के ऊपर। फिर 7 चेन बनाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक स्पेस को स्किप करके नेक्स्ट में जाके सिंगल क्रोशे। तो आप ये देख सकते हैं कि पैटर्न कैसे बन रहा है। तो इस तरह से बनाते जाएं और पर्ल लगाते जाएं।